का युग प्रतियोगिता का है। हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया की धूम मची है। बावजूद इसके आज भी अखबारों पर ही पाठकों का विश्वास ज्यादा है। अखबारों की विश्वसनीयता आज भी बरकरार है और यह आगे भी कायम रहेगी। यह प्रतिपादन चंद्रपुर के विधायक किशोर सुरकेवा ने किया। मिशन ग्रुप नागपुर द्वारा संचालित हिंदी दैनिक नागपुर मेट्रो समाचार के चंद्रपुर जिला कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर वे बोल रहे थे। इस मौके पर बीटीपी बसेस की चंद्रपुर नागपुर के बीच नई बस सेवा का उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम में बीसीएन न्यूज के चेयरमैन सिराज शेख ने घोषणा की कि चंद्रपुर नागपुर बस में इलाज कराने के लिए नागपुर जाने वाले एक गरीब मरीज को निःशुल्क सीट उपलब्ध कराई जाएगी। सोमवार की शाम होटल सिद्धार्थ में हुए कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जिलाधिकारी अजय गुलाने व विधायक किशोर जोर के पास उपस्थित थे। दोनों के हाथों चंद्रपुर नागपुर बस सेवा का उद्घाटन हुआ। बीसीएन न्यूज के चेयरमैन सिराज शेख ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अतिथियों में बीसीएन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर फैजान शेख, चंद्रपुर जिला ग्रामीण राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र वैद्य, चंद्रपुर श्रमिक पत्रकार संघ के अध्यक्ष मजहर अली, जितेंद्र चोटिया, सामाजिक कार्यकर्ता जावेद शेख उपस्थित थे। आज नागपुर मेट्रो समाचार का चंद्रपुर से आज शुरुआत हुई है और इस पत्रकारिता के लिए और इस समाचार पत्र को मैं जिलाधिकारी चंद्रपुर मैं शुभकामनाएं देता हूं और पत्रकारिता में अच्छी तरह से नागपुर मेट्रो समाचार ये काम करेंगे ऐसी मैं आशा रखता हूं। धन्यवाद। विधायक जोर के पार ने कहा कि समाज की बुराइयों के साथ ही अच्छे कार्य को सामने लाना ही सच्ची पत्रकारिता है। नागपुर मेट्रो समाचार इस पर खरा उतरेगा और नागपुर की तरह ही चंद्रपुर जिले में भी लोकप्रिय होगा। उन्होंने भरोसा जताया है कि चंद्रपुर जिले की जनता इस अखबार का तहे दिल से स्वागत करने में पीछे नहीं रहेगी। नागपुर मेट्रो समाचार का आज चंद्रपुर में लॉन्चिंग हुआ। नागपुर मेट्रो समाचार को मैं तहे दिल से शुभकामना देता हूँ। चंद्रपुर की जनता ने जो भी अच्छा काम करता है अच्छाई का हमेशा स्वागत किया है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि जो समाज में अच्छाई है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ इस नागपुर मेट्रो समाचार के द्वारा लोगों तक पहुँचे और इसमें मैं और एक चाहूँगा कि चंद्रपुर एडिशन भी इसमें निकले ताकि चंद्रपुर के लोगों को इस नागपुर मेट्रो समाचार के बारे में अपनापन लगे। मैं इसके मालिक सिराज भाई को तहे दिल से उनका हौसला अफजाई करना चाहूँगा क्योंकि आज के इस समय में न्यूज़पेपर चलाना ये घाटे का सौदा है, बड़ा महंगा काम है, बड़ा कठिन काम है। उस काम को उन्होंने अपने हाथ में लेते हुए बखूबी इसको समाज को का एक सामाजिक सेवा के रूप में इसको चलाने का उनका संकल्प है, बिल्कुल तारीफ़ काबिल है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। नागपुर मेट्रो समाचार के यहाँ के जो जिला प्रतिनिधि हैं प्रवीण बल्की जी, उनका भी यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ। आरी सारे टीम का अभिनंदन करते हुए ये नागपुर मेट्रो समाचार चंद्रपुर में नहीं विदर्भ में एक अच्छा नामांकित न्यूज़पेपर बने, समाचार पत्र बने, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। इस अवसर पर जोर के वाह ने अनुरोध किया कि चंद्रपुर से नागपुर चलने वाली बीटीपी की हर एक बस में यहाँ से इलाज के लिए नागपुर जाने वाले एक गरीब रोगी के लिए एक सीट निःशुल्क रिजर्व की जाए। विधायक के अनुरोध पर चेयरमैन सिराज शेख ने एक मरीज के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की, जिसका कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों सहित सभी ने तालियां बजाकर स्वागत किया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो कंपनी है ये कंपनी 86 से हम लोग डिस्ट्रिक्ट में है, हमने न्यूज चैनल में 97 में है और हम लोग को चंद्रपुर से बहुत प्रेम है। मेरे हर बिजनेस की शुरुआत चंद्रपुर से मैंने किया हूँ। तो हमारे कोल्हापुर, सोलापुर, नासिक और इंदौर बसें चली रही थी। अखबार भी चालू होने हमको लगभग 2 साल हो गया है। न्यूज चैनल काफी दिन हमारा न्यूज चैनल वेबसाइट पे केबल से भी ज्यादा दिखता है। केबल के घरों में हमारा तो दिखता ही है 1.5 लाख घरों में, लेकिन इससे ज्यादा हम लोग 2 लाख के लगभग यूज पे भी दिखता है यूट्यूब पे। कोविड में भी हम लोग अच्छा सपोर्ट किए। चंद्रपुर में हमारे इमरान भाई भी चंद्रपुर से रहवासी हैं, हमें हमारे कंपनी के डायरेक्टर ही हमारे साथ जुड़े हुए और मैं इस
इसी तरह चाहता हूँ कि चंद्रपुर में आप लोग का आशीर्वाद मिले, मैं आप लोग का आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। और मेरे अखबार थोड़ा अभी सवा सौ कॉपी तो फिलहाल से आ ही रही है, इसको और बढ़े मैं धन्यवाद। जिलाधिकारी गुलानी व मसर अली ने बस और अखबार को शुभकामनाएं दी। नागपुर मेट्रो समाचार के संपादक इमरान शेख ने अतिथियों का स्वागत किया। इस समय शहर की गणमान्य नागरिक व पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि बीटीपी बसेस विदर्भ का जाना माना ट्रैवल्स ग्रुप है और नागपुर की बाकी ट्रैवल्स की तुलना में सबसे हटकर सेवा देने के कारण यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय भी है। फिलहाल बीटीपी बसेस नागपुर से पुणे, हैदराबाद सहित कई स्थानों के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है। नागपुर मेट्रो समाचार इस वृत्तपत्र का आज यहाँ प्रकाशन हुआ। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी की ओर से उनको शुभेच्छा देता हूँ। वो पेपर रेगुलर मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो हिंदी पेपर है भास्कर और नवभारत, उसके मुकाबले में बहुत सी अपने को चेंजेस करना पड़ेगा, खास करके उसकी जो राइटिंग की क्वालिटी है या फिर पेपर की क्वालिटी है, जैसे महाराष्ट्र टाइम्स की या लोकसत्ता की है, उस माध्यम से काम किए तो बहुत अच्छा रहेगा। और पेपर में न्यूज़ काफ़ी अच्छी आ रही है, मैं मेरे तरफ से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की ओर से शुभेच्छा देता हूँ कि वो अच्छा काम करेंगे। जो वर्तमान पत्र आज, क्योंकि वर्तमान पत्र चलाना आज के युग में इतनी आसान बात नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहने के बाद वर्तमान पत्र, इसके लिए आपको जो न्यूज़ है वो अच्छी देना पड़ेगा, लोगों के हित की न्यूज़ देना पड़ेगा। और ये पेपर को आपको अगर उठाना है तो जो बाकी जो जैसे कि माध्यम है, बाकी जैसे कि आज की जो परिस्थिति चल रही है उसको सही ढंग से इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि न्यूज़ जो है बहुत ही फेक न्यूज़ आ रही है, कहीं बनावट न्यूज़ आ रही है, या मीडिया ऐसा बोल रहे हैं लोगों की कि मीडिया बिक चुका है, तो कहीं कहीं सही भी लगता है कि मीडिया जो खबरें दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहा, या लिखना चाहिए वो नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा इसके बाद की तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी ये इच्छा रहेंगी कि आपका वृत्तपत्र तो भी सही जानकारी दे, सही न्यूज़ दे, इसी अपेक्षा के साथ मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ। अब चंद्रपुर से नागपुर के लिए नई बस सेवा प्रारंभ होने के साथ ही बीटीपी बसेस ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। चंद्रपुर जिले की जनता को भी बीटीपी बसेस की लीक से हटकर सेवाओं का अनुभव लेने का मौका मिलेगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।